केटीएम और कॉबल का किती खास चालू? अरे ते जास्त गो माणसं आहे रे ते केटीएम वाले. खरं प्रेम तर आपल्या यामान सीडी डॉनवर होते. ते केटीएम ड्यूक हे सगळे कसे राम राम मंडळी कसे काय आहात तुम्ही. तर आज काय आहे छठा दिन. कल था पांचवा दिन और कल तो हम खेत में आए नहीं क्योंकि कल सुबह से बारिश थी तो पापा अकेले चले गए थे क्योंकि एक ही रेनकोट था ना मैं भीग जाता इसलिए पापा अकेले चले गए और दिन भर भी नहीं आना पड़ा. कल का तो मूड ही खराब था. कल का दिन अच्छा नहीं गया इसलिए आज आए खेत में. आज का छठा दिन तो आप पराठी आज की देख सकते हो ऐसी मतलब थोड़ी थोड़ी तो पीली पड़ गई है. ये ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी पीली नहीं पड़ी लेकिन जितना गौत पड़ा उतनी नहीं पड़ी ऐसा बोल रहा हूँ मैं. ये देखो आपको लाइनी दिख रहा हो गया पूर्ण. वाह वाह का तो कोंबड़ा भी नहीं मरा और पराठी भी नहीं. पता नहीं यार क्या था उस मिराए कातर में दोनों नहीं मरे वहाँ के. तो फिलहाल तो आज का शेड्यूल कुछ पता नहीं है मतलब आज क्या करने वाले हम क्योंकि बादल ही बादल दिख रहे. पानी तो ऐसे मतलब पानी के तो नहीं लग रहे बादल है लेकिन हाँ बादल ही बादल है. और आना नहीं चाहिए यार पानी. कल मतलब परसों रात भर आया था और कल सुबह भी था 7:30-8 बजे तक पानी था कल. तो पूरा खेत और फंसता है खेत में पूरा भर चुका है वो पानी से. इसलिए अभी तो चाहिए नहीं फिलहाल पानी. तो अभी तो घर जाएंगे फिर देखते आज क्या करना है और क्या नहीं. तो दोस्तों देखो ऐसी है गोभी. इस पानी का तो उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा लेकिन फुहारे का भी उतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पिखोले अभी भी उड़ रहा है. पिखोले अभी भी है उस गोभी में तो उतना तो असर नहीं दिख रहा. और ये छोटी वाली गोभी देखो इसने भी शेंडा ले लिया है. अब खांडना तो हो गया लेकिन लगा लेंगे खांडना. ऊपर वाली वो जो गोभी है ना वो ऊपर देंगे और ऊपर वाले का खांडने यहाँ पर लगा देंगे. ऊपर वाला फिर पूरा रोटेटर मार के प्लेन कर देंगे ऊपर वाला. तो ऐसे फिर हमारी गोभी और बड़ी वाली गोभी भी ऐसी. अरे गोभी जी रक्षा करना राय नहीं आवार आता कुठे येऊन राहिला घरी आमच्यासोबत. हा अय इकडे बाय ना कोण करून गोभीची रक्षा करतो म्हणे ना. इथं राय खोपडीत बसून राय आणि कोणी जरी तर त्याच्यावर भक्कन भक्कन असा दौडतो त्याच्यावर कसा असा भक् 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 असा करतो त्याच्यावर कोणी जरी. हा राशीन खोपडीवर इकडे पाय राशीन खोपडीवर भक् भक्. तो दोस्तों यहाँ पर अभी तार बांधने का चल रहा है यहाँ पर ओम भाऊ. हेलो गाइस तो नवरात्र आने वाली है. हमारे दोस्त प्रफुल्ल नासरे के चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक की बटन दबाना और हर रोज नया नया वीडियो आएगा व्लॉग पर. और हमारे साथ ये सोमल धोपतोस करके है धोपतोस और मिलते हैं अगली वीडियो में. तो भाई अभी काम चल रहा है यहाँ पर लाइटिंग लग रही है वस्त्रालय तो लाइटिंग लगाने के बाद मिलते हैं आपको भी. दोस्तों हम आ चुके हैं खेत में क्योंकि पापा गए काटोल गोभी नहीं गऊ बेचने गए क्योंकि पैसे ही नहीं अब किसी को देने के लिए इसलिए गऊ बेचने गए. तो अभी हमें आना पड़ा है खेत में. तो अभी हमारा काम ये है कि गाय बैल को चारा वारा डाल के पानी वानी पाच के फिर जाएंगे घर. और आज का मतलब सूरज तो आज भी नहीं निकला बादल ही बादल है आज भी. और पराठी देखो ऐसी दिख रही है. देखो कुछ फर्क दिख रहा होगा तो पराठी वैसे ज़्यादा पीली दिख रही है अब तो और गौत भी ज़्यादा पीला दिख रहा है. और एक दो दिन में तो एग्जैक्टली पता चल ही जाएगा कि पराठी बचती है या जाती है. वैसे मुझे नहीं लगता कि पराठी अभी बचने मतलब जाने वाली है बचेगी वो क्योंकि इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा. ऐसा अगर इफेक्ट होता ज़्यादा तो वो पहले से ही गल जाती वो ऐसे मान डाल देती नीचे. लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा फिलहाल. देखते अभी 2-3 दिन इंतज़ार करके फिर बताएंगे आपको क्या रिजल्ट आता है. तो फिलहाल दोस्तों सबको कुटार डाल दिया है. ये देखो हमारी गौ माता कैसे खा रही है
अभी तो निकलते उस खेत में जाने के लिए, वहाँ पर एक चक्कर डाल के देखते कि क्या हाल है, कोई आया तो नहीं रहा गोभी को चोरने के लिए, या फिर मतलब कैसे है गोभी, एक चक्कर तो डालना पड़ता है, फिर जाएंगे घर। आज वैसे कुछ काम नहीं क्योंकि पापा ही नहीं है, पापा काटल गए, नहीं तो फुहरा हो जाता आज एक तो। वैसे फंसता भी बहुत है क्योंकि उन तो धूप दो दिन से पाई नहीं, इसलिए कोई एक तो काम नहीं होगा। देखते कल फुहरा वगैरह मारने का ट्राई करेंगे। दोस्तों आ चुके हैं इस खेत में और गोभी देखो थोड़ी सी अब अच्छी दिख रही है, ये देखो। और हमें सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चला है कि वहाँ पर किसी ने बंदरा हकल दिए, तो जाकर देखते कि बंदरा आए कि नहीं, क्योंकि उस दिन पराठी में बंदरा आए थे, बहुत नुकसान किया था उन्होंने, बहुत बूंदिया तोड़ दिया था, खा गए थे और कुछ पराठे के झाड़ पर कूदे थे तो वो झाड़ भी तोड़ दिया था। तो जाते अभी देखते बंदरा है कि नहीं। तो वैसे हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है, अभी देखते होंगे तो हाकलते, नहीं तो जाते फिर घर। ये देखो यहाँ की गोभी ऐसी दिखती है, ठीक है अच्छी है अभी वैसे कुछ, लेकिन ये पिखोला देखो उड़ ही रहा है, क्या फुहारा मारा लेकिन असर नहीं हुआ उतना, और फुहारा देना पड़ेगा इसको। और फिर आप बोलते हो कि पंप लेके चलता है, सिर्फ पंप लेके चलता है फुहारा मारने के लिए, ऐसा ही होता है पंप, मतलब जब फुहारा मारते हो तब पानी आ जाता है, वो फुहारा कुछ असरदार नहीं होता, इसलिए डबल मारना पड़ता है। ये देखो यहाँ की पराठी इतनी है, कैसी है पराठी आप कमेंट में बताना। ये देखो हमारी पराठी इतनी हो चुकी है, तो जाते अभी देखते हैं बंदर। अभी हमें सूत्रों से खबर मिली थी वो बिल्कुल सच्ची थी, सच में बंदर आ गए थे, अभी हाकल दिए बंदर, तो अभी जाते हैं घर। वैसे हमारे सूत्र जो भी खबर देते वो गलत नहीं होती, ये भी सही थी। तो चलो फिर अब निकलते घर के लिए। भाई बारिश देखो कितनी बारिश हो रही है, आज ही मैसेज आया था कि पानी कम हो जाएगा, बारिश नहीं आएगी, अभी खुला रहेगा 4-5 दिन और देखो बारिश देखो भाई क्या हो रहा है, इधर से सूरज निकल रहा है, उधर से बादल, नीचे से बारिश ये देखो उधर से बादल, इधर से पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इधर से सूरज, इधर से बादल, और बारिश देखो खतरनाक बारिश। तो दोस्तों अभी हम जा रहे रील शूट करने और बादल देखो आ चुके, यार बादल आते तो मैं बादल करता हूँ, और दोस्त लोग फालतू की चिढ़ाते कि ये देखो हमारे बादल करता है सिर्फ, अरे बादल आएंगे तो बादल ही दिखाऊंगा ना, जब बादल नहीं होंगे तो बादल नहीं दिखाऊंगा, क्या यार समझ नहीं आता, बराबर है ना। देखो सुनो इसका, तो अभी तो जा रहे, फिलहाल ठंडी हवा चल रही है और बारिश 10 मिनट आई लेकिन इतनी आएगी मतलब ऐसी फटाफट से आई, बहुत मतलब जोर से आई, अभी पता नहीं आएगी कि नहीं क्योंकि बादल तो चारों तरफ से आनी नहीं चाहिए। अब जब भी हम बोलते कि अब अभी गोभी अच्छी है अभी ठीक होगा, हाँ बारिश आ जाती, बारिश भी बोलती होंगी इसकी गोभी अच्छी है, ठीक है मैं आती हूँ ना अभी क्या यार। तो चलो फिर रील शूट करते, बाद में मिलते आपको, अभी हल्ली चालू हो गया, हाँ ठेम तो चालू हो गया, फटाफट से एक दो शूट कर लेते। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश चालू हो गई, और ये देखो VIP गाड़ी अंदर डालना चालू हो गया भले इंसान बिक जाए पर गाड़ी को बना दे। ये बिश्नूर के रॉयल अधिकारी, तो यहाँ पर चल रहा है किस बात पर अब रील्स बनाए, पूरा माहौल सेट है यहाँ पर, और बाहर भी बारिश हो रही है, तो यहाँ पर देख रहे की किस पर बनाया था, सर्चिंग चालू है। ये देखो KTM और कॉबल पर किती खास चाललो, अरे ते जास्त गो माणसं आहे रे ते KTM वाले, खरं प्रेम तर आपला यामान सीडी डाउनवर होते, ते KTM ड्यूक हे सगळे कसे अभि अजून बोललो
केटीएम वर कपल पण किती खात चालू. अरे ते जास्त गो माणसं आहे रे. खरं प्रेम तर आपल्या यामान सिटी डॉन वर होते. ते केटीएम ड्यू हे सगळं खूप ते शार्प बनायची माणसं. केटीएम वर पाय कपल तर किती खास चाललं. अरे ते सगळे आता बोलले डबल डबल का डबल स्टार्ट तो होता यार. वन टू दोस्तों अभी रील्स वगैरह शूट करने हो गया. अभी एक लोग जा रहे घर. यार आज की रील्स में इतनी मतलब याद ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है क्या बोलना है. बहुत रिहर्सल करनी पड़ी आज तो शूट हो गया. गाड़ी चालू हो गई. दोस्तों अभी तो रात होने वाले. इस व्लॉग को ये एंड कर देते. आज रील शूट करने में इतना मज़ा आया भाई याद ही नहीं आ रहा था बोलना क्या है बोलना क्या है. वो 10-12 बार मतलब बता चुके कि ये बोलना है लेकिन याद ही नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार हमने वो फनी कंटेंट ट्राई किया था. तो कल इंस्टाग्राम पे रील्स आएगी देखना आप. तो इस व्लॉग को ये एंड कर देते. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना. तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय. और हाँ जय हिंद जय भारत. तो दोस्तों अभी शूट खत्म हो चुका है. अभी ये लोग जा रहे हैं घर. जाओ भाई आराम से जाओ. गाड़ी चालू नहीं कर रहे. दिस इज द पावर ऑफ यामाहा.